नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। पटौदी खानदान से एक और एक्टर अब छाने वाले हैं लोगों के दिलों में। दरअसल उनके छोटे दोनों बेटे वैसे ही छाए हुए हैं कि फैंस के बीच अपने क्यूटनेस की हरकतों की वजह से आए दिन वायरल होते रहते हैं। पर यहाँ हम उनकी नहीं, इनके बड़े भाई यानी कि इब्राहिम की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सैफ अली खान और अमृता सिंह की बड़ी बेटी सारा अली खान ने तो बॉलीवुड में कदम जमा ही लिया। अब सुनने में आ रहा है कि उनके बेटे ने भी मूड बना लिया है बॉलीवुड में डेब्यू करने का और उनको लॉन्च करेंगे वन एंड ओनली स्टार किड्स के मसीहा करण जौहर। वैसे फिल्म डिफेंस फोर्स पर होगी और बोमन ईरानी के बेटे कायोज उसे डायरेक्ट करेंगे। फिल्म धर्मा प्रोडक्शन में बनने वाली है। सूत्रों से पता लगा है कि इस फिल्म की शूटिंग अगले साल 2023 में शुरू होगी। फिलहाल फिल्म का नाम अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, ना ही फिल्म में एक्ट्रेस कौन होगी इसकी भी बात बताई गई है। पर अब देखना ये है कि जब ये फिल्म आती है तो क्या कुछ कमाल करेगी, क्योंकि इस घर के सभी लोग एक्टर ही हैं तो इन पे भी प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा। वैसे इंडस्ट्री में इनकी बड़ी बहन अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, कई सारी बड़ी फिल्में दे चुकी हैं और कई सारी फिल्में आने वाली हैं। तो अब उनके छोटे भाई इब्राहिम अली खान का बॉलीवुड डेब्यू भी चर्चा में है। हालांकि ये दोनों भाई बहन अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरते हैं। दोनों इंडस्ट्री के सबसे मॉडर्न भाई बहनों में से एक हैं, जिसकी फोटोज सारा ने सोशल मीडिया पर आए दिन डालती रहती है। ऐसे में ये न्यूज़ भी कमाल की है। अब देखना ये है कि क्या इन फ्यूचर दोनों स्पेशल बॉन्ड स्क्रीन पर भी शेयर करते नजर आएंगे। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।